देश में आज जहां एक ओर लोकसभा चुनाव के पांचवें दौर की वोटिंग जारी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर खूब निशाना साध रहे हैं। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ को लेकर सियासी बवाल मच गया है। बता दें, आरामबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत घोघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा था, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ भिक्षु दिल्ली में भाजपा नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। जो लोग मंदिर की देखभाल कर रहे हैं वो महान आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर रहा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर दिए गए बयान ने इस बयानबाजी की आग में घी का काम किया है। अब उन्हें टिप्पणी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने सफाई दी है। ममता बनर्जी ने परोपकारी कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ की प्रशंसा की। उन्होंने सोमवार को कहा कि वो किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन राजनीति में शामिल होने के लिए एक या दो लोगों की आलोचना की है। सीएम को भेजे कानूनी नोटिस में महाराज ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के आरोप निराधार हैं, झूठ और अपमानजनक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 दिन के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। कार्तिक महाराज ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजे जाने की जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने पोलिंग बूथ से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भगाने का आह्वान नहीं किया। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं एक सन्यासी हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। मुख्यमंत्री अपने आरोप कभी साबित नहीं कर सकेंगी। जिसके बाद पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर एक जनसभा के दौरान पलटवार किया। आने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के इस बयान पर मोदी ने उन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि टीएमसी ने इतना नीचे गिरकर शालीनता की सीमा पार कर ली है। वॉइस कॉन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के खिलाफ अफवाह फैला रही हैं। उन्होंने कहा टीएमसी इस्कॉन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के खिलाफ अफवाह फैलाकर अपनी सीमा से आगे बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्हें धमकी दे रही हैं। वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें धमकी दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर ममता बनर्जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।